नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार और टीवी एशिया के इस खास कार्यक्रम में मैं आप तमाम सभी लोगों का, तमाम दर्शकों का भारत से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां, बिल्कुल, आप हर किसी को पता है कि हम हर रोज आईपीएल से जुड़ी खबरें आपके पास लेके आते हैं, खासकर तौर पर हमारे तमाम चाहने वाले के जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं और इसके अलावा 100 से ज्यादा मुल्कों में भारत से बाहर इस प्रसारण को देख रहे हैं। तो आज की बात करेंगे, सबसे पहले जो मुकाबला हुआ वो मैं पहले बात करूंगा दूसरे मुकाबले की, क्योंकि दूसरा मुकाबला सबसे रोमांचक मुकाबला रहा। जी हाँ, धोनी की टीम ने मैच जीत लिया आखिरी ओवर में, लेकिन उससे पहले उनकी सांसें निश्चित तौर पर फूल गई थी, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 200 से ज़्यादा रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू में जैसे अपने बहुत ही आसानी से उन्होंने अपने 5 विकेट खो दिए थे और लग रहा था कि मैच एकदम एकतरफा हो जाने वाला है, कोई भी कोलकाता को चांस नहीं दे रहा था, वहीं पर आंद्रे रसेल जो केकेआर के धुआंधार बल्लेबाज हैं, उन्होंने क्या बल्लेबाजी की, ऐसा लगा कि वो सुपर फास्ट ट्रेन में चल रहे हैं और लगभग मतलब लग रहा था अपने दम पर मैच जिता देंगे, लेकिन वो आउट हो गए। सैम करन ने बहुत कीमती विकेट लिया उनका, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता के लिए उम्मीदें खत्म नहीं हुई थी। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं, कोलकाता ने उन पर पिछले सीजन सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी और काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन पैट कमिंस ने इस बार गेंद की बजाय बल्ले से कमाल दिखाया और क्या उन्होंने धुआंधार अर्धशतक लगाया। और आखिरी ओवर तक जिस तरह से वो टिके हुए थे, लग रहा था कि वो अपने दम पर मैच को जिता देंगे। वो तो एक तरह से कहा जाए किस्मत कह सकते हैं, दो दो रन आउट हो गए हैं तेजी से रन चुराने के चक्कर में। आखिरी में प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती का विकेट उन्होंने खो दिया, लेकिन हो सकता है अगर वो दोनों रन आउट नहीं होते तो शायद धोनी की टीम को ये जीत नहीं मिलती। लेकिन पूरे 26 छक्के इस मैच में आपको बरसते हुए दिखे, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली और पुरानी बात देखने को मिली वो थी चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स अब अंक तालिका में नंबर 1 पर आ गई है। जी हाँ, वो टीम जो पिछले साल जब 2020 का आईपीएल हुआ एक मैच में जीत के लिए तरसती हुई दिखी थी और आखिरी नंबर पे थी, पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान में पहुंच गई थी, प्लेऑफ में वो अपनी जगह नहीं बना पाए थे, ऐसा पहली बार हुआ था उनके खेल के इतिहास में। लेकिन इस बार धोनी की टीम बहुत डिटरमिंड नज़र आ रही है, चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, उनकी सोच की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, धोनी की टीम पुराने CSK की तरह दिख रही है। पुराने CSK का मतलब वो CSK जो 3 बार चैंपियन बनी है। तो इस बार अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस को अब कोई एक टीम कड़ी टक्कर देगी तो वो CSK ही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल दिखाया, लेकिन कमिंस और रसेल की पारियों के बीच में हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मैच का आधार जो है, जीत का आधार तय किया था फैफ डुप्लेसी ने, साउथ अफ्रीका का बैट्समैन है जो कुछ रनों के चलते अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी को किसी भी शतकीय पारी से कम नहीं माना जाएगा। शुरू से लेके अंत तक वो टिके रहे विकेट पे, क्रिकेट की भाषा में इसको कैरिंग द बैट थ्रू कहते हैं, जो आखिर तक वो लेकर गए। और दूसरे छोर पर उन्हें लगातार आक्रामक बल्लेबाजों का साथ मिलता रहा, चाहे धोनी की छोटी सी पारी कहें, उन्होंने 17 रन बनाए, आप मोइन अली की बात करें, टिपिकल फैशन में उन्होंने तेजी से रन जुटाए, हर किसी ने सहयोग दिया। लेकिन कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए यादगार जीत रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वहीं बुधवार को चूंकि ये डबल हेडर था, एक और मुकाबला हुआ था दिन में पहले, वहां पर पंजाब किंग्स की टीम के सामने थे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो चेन्नई में आज तक कभी भी एक मैच नहीं जीती थी, उन्होंने जीत के साथ अपना खाता खोला, अभियान अपना शुरू किया। जी हाँ, अभी तक 3 मैच खेले थे, उन्होंने एक भी मैच में नहीं जीत हासिल की थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने पंजाब किंग्स को पूरी तरह से परास्त किया, एकदम दबदबे वाली जीत उन्होंने हासिल की, जिसमें अहम भूमिका एक बार फिर से उनके गेंदबाजों की रही। उनके गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, खलील अहमद की तारीफ करनी होगी जिन्होंने 3 विकेट लिए थे, उसके अलावा राशिद खान एज यूजुअल ग्रेट रहे, लेकिन जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर, इन दोनों ने बहुत ही तगड़ी पारी खेली और एक तरह से लगा ही नहीं कि ये हैदराबाद की वही टीम है जो टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष कर रही थी, जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन यही आईपीएल का रोमांच है, जिस टीम को आप एकदम बुरी तरह से खत्म मान लेते हैं वो टीम पलटवार करती है, और पंजाब के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने जीत के साथ शुरुआत की थी और अब उन्होंने लगातार 3 मैच गंवा दिए हैं। तो ये
चिंता की बात होगी केएल राहुल के लिए। बहरहाल गुरुवार को एक और मुकाबला खेले जाने वाला है और इस बार टक्कर रॉयल्स टक्कर है। रॉयल्स टक्कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी विराट कोहली की टीम का मुकाबला होगा किसके साथ, संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के साथ। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर कागज पे देखे तो कोई मुकाबला नहीं है, फॉर्म पे देखे तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि विराट कोहली की टीम में देखे तो ग्लेन मैक्सवेल रन बना रहे हैं, एबी डिविलियर्स रन बना रहे हैं, अब विराट कोहली भी डिसेंट फॉर्म में है, तो कुल मिलाकर बैंगलोर के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं दिखती है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए समस्या है, उनके बल्लेबाजी में समस्या है, उनकी गेंदबाजी में समस्या है। तो ये देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या इन समस्याओं से निजात पा सकती है रॉयल्स की टीम, और अगर रॉयल्स की टीम यकीन मानिए कि इस मैच में चौंकाती है और वो जीत हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 मैच खेले हैं और एक भी मैच उन्होंने नहीं गंवाया है, तो निश्चित तौर पर उनकी जीत का सिलसिला अगर रोकती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है जिस तरह से लॉ ऑफ एवरेज आमतौर पर मुंबई के साथ ये काम नहीं करता, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि जो चीज़ क्रिकेट में लगातार हो रही होती है और आप उम्मीद करते हैं वो उसके विपरीत होती है, तो रॉयल चैलेंजर्स की टीम के साथ हर चीज़ काफ़ी उनके फेवर में है, लगातार जीत में चल रहे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज यानी जीत का जो औसत का नियम है वो कहता है कि इस मैच में शायद हार होगी, तो देखने वाली बात होगी हार होती है या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हर बार हम आपको आईपीएल में एक दिलचस्प किस्से और कहानियों की बात करते हैं, और आज हम एक बात करेंगे पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल की। जी हाँ, पार्थिव पटेल ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा हमें सुनाया है। पार्थिव पटेल ने कहा कि इस बार जैसे ही उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई उनमें अब दम नहीं है, जैसे उन्होंने संन्यास लेने का घोषणा किया मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि आप हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे। पार्थिव को यकीन नहीं हुआ, पार्थिव ने बोला क्या, उन्होंने बोला कि देखिए खिलाड़ी के तौर पर नहीं, टैलेंट स्काउट के तौर पर। अब टैलेंट स्काउट एक ऐसी चीज़ है जो मुंबई इंडियंस को बाकी टीमों से बिल्कुल अलग करती है। ये टीम सालों भर प्रतिभाशाली खिलाड़ी ढूंढने के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ियों को मदद लेती है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के पूर्व कोच रह चुके जॉन राइट से। जॉन राइट टैलेंट भारत के अलग अलग छोटे छोटे गांव शहरों में जाते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, युवा खिलाड़ी को तराश कर लाके थे, और इसी चक्कर में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ढूंढा था, उन्होंने पंड्या बंधुओं को ढूंढा था, तमाम ऐसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने ढूंढा, और यही काम अब पार्थिव पटेल को ये जिम्मा दिया गया है। तो पटेल ने बताया कि उन्हें अपने करियर में जितने रन बनाने की खुशी नहीं हुई थी आईपीएल में खासकर, उससे ज़्यादा खुशी हुई कि अब वो टैलेंट स्काउट बनकर। वजह क्या थी, उन्होंने कहा कि टैलेंट स्काउट बनने से फ़ायदा ये है कि उन पर जीत का दबाव नहीं है, उन्हें इस बार आईपीएल वो इसलिए नहीं देख रहा है कि हर मैच में जीतना है, क्योंकि मुंबई की टीम का जो एक कल्चर है वो है कि जीत आपको हर हाल में चाहिए चाहिए। तो उम्मीद करते हैं पार्थिव पटेल अपनी इस नई भूमिका में किस तरह से कामयाब होते हैं, लेकिन फिलहाल अपने दोस्त विमल कुमार को आप इजाज़त दीजिए और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, हमारे TV चैनल्स पे अपने सुझाव दीजिए, फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि किस तरह के बातें आपको अच्छी लगती हैं, किस तरह की कहानियाँ किससे आपको अच्छे लगते हैं, वैसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए लगातार लेके आएंगे। फिलहाल अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।